हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी। कितने मेटल, यहाँ पे 5 मेटल दिए गए हैं, इसमें से कितने मेटल होंगे जो लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया जा सकते हैं, किसके थ्रू? फ्लेम टेस्ट के थ्रू। तो फ्लेम टेस्ट में कितने कितने एलिमेंट आते हैं वो मैं बता देता हूँ। फ्लेम टेस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो मैं एक लिस्ट लिखता हूँ जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे पीबी का। अगर पीबी का फ्लेम टेस्ट कराएंगे तो ये ग्रीन कलर देता है। ओके, इसके अलावा कॉपर ब्लू या फिर ग्रीन, यह दोनों का मिक्सचर कलर देगा। बीए के बारे में बात करें तो ये एप्पल ग्रीन देगा। एप्पल ग्रीन जब कच्चा एप्पल रहता है तो उस समय जो कलर रहेगा वो इस कलर का ही ये फ्लेम देगा। एसआर का देखें तो क्रिम्सन रेड। सीए का अगर बात करें, कैल्शियम मतलब कि ब्रिक रेड। सोडियम के बारे में बात करें तो गोल्डन येलो। पोटेशियम के बात करें तो पिंक और वायलेट का मिक्सचर ऐसा कलर देगा। इसके अलावा कुछ और है जैसे लिथियम, लिथियम भी क्रिम्सन रेड कलर देता है, क्रिम्सन रेड। रुबिडियम एंड सीजियम वायलेट कलर देता है। इसके अलावा एएस, एसबी एंड बीआई बिस्मथ, ये लिविड ब्लू कलर देता है। ये फ्लेम टेस्ट में इतने सारे एलिमेंट जो हैं वो कलर डोनेट करते हैं। तो यहां पर देखो बीई का जिक्र कहीं नहीं हुआ होगा क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं फॉर्म करता है, ना ही एमजी करता है। सोडियम करता है, सोडियम का कलर होता है गोल्डन येलो, तो ये गोल्डन येलो कलर फ्लेम टेस्ट में देगा। पोटेशियम पिंक एंड वायलेट का मिक्सचर देता है जिसको लोग लिलैक कहते हैं। ओके, एंड बी ए जो देगा वो एप्पल ग्रीन देगा। ये तीन ही एलिमेंट यहां पर ऐसे हैं जो कि फ्लेम टेस्ट में कलर देंगे। हेंस आंसर इज 3। दैट्स ऑल, थैंक यू।